जय हिंद दोस्तों, सस्टेन वाले स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि सोलर स्ट्रक्चर कैसे असेंबल किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये सिंगल पोर्ट्रेट है। सिंगल पोर्ट्रेट में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये आरसीसी, इस पे मुझे स्ट्रक्चर लगाना है। आप देख सकते हैं बेसिकली क्या है, ये जो बीम बनाया गया है सोलर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया था, बट इस पे एनालिसिस करके अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर लगाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको दो पाइप गया है, स्क्वायर पाइप, और ये स्ट्रक्चर उसी पाइप पे असेंबल होगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या मटेरियल है और इसका क्या सेक्शन है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चार नट बोल्ट आएगा। ये मेरा गैल्वेलम है जो 0.2 mm थिकनेस है, गैल्वेलम 350 GSM, या आप कह सकते हैं इसको 550 MPa का यील्ड स्ट्रेंथ। ये कॉलम आप देख सकते हैं हॉट डिप है, 75-40-15-2 का हॉट डिप है। बट ये राफ्टर पर्लिन एल्कलिट, सेम डायमेंशन मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है 150-15-2 mm, एल्कलिट 150 mm का है। ये फ्रंट से इसका हाइट है, कॉलम जो मेरा पर्लिन आएगा, मॉड्यूल से बेस का हाइट जो ग्राउंड लेवल का हाइट होगा वो 200 mm है, बट मैं इस बेस पे लगाता हूँ तो काफ़ी हाइट हो जाएगा, 24 mm हाइट हो जाएगा। ये लगभग 42 kW का प्रोजेक्ट है, आपको मैं नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये मैं राइट साइड से लिया हूँ, इससे पहले मैं दिखा रहा था वो लेफ्ट साइड से था, अब राइट साइड का देख सकते हैं। ये राफ्टर का डायमेंशन है, राफ्टर 1500 mm का है, ये 1500 mm का राफ्टर है। बैक लेग 600 mm का है और फ्रंट लेग 250 के समथिंग है। तो दोस्तों ये बेसिकली कॉलम पे होल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा जो स्क्वायर पाइप जा रहा है, स्क्वायर पाइप पे ही होल्ड होगा और प्रॉपर तरीका से बिल्डिंग के साथ साथ आप बेस प्लेट इसका देख सकते हैं। बेस प्लेट काफ़ी छोटा है, 100x80 का है, बट इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये जो होल है ये सेल्फ स्क्रू के लिए, स्क्वायर पाइप पे सेल्फ स्क्रू हो जाएगा, उसके साथ साथ चारों तरफ से प्रॉपर तरीका से बिल्डिंग हो जाएगा। इसका ये नट बोल्ट देख सकते हैं, ये हॉट डिप है 5.6 grade, जिसमें क्या होगा ये नट बोल्ट जल्दी जंग नहीं लग पाएगा, मतलब क्रोजन नहीं लगेगा। ये बैक से है, बैक कॉलम का एल्कलिट जॉइंटर है यहाँ पे। ये जॉइंट के लिए आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जॉइंट के लिए मैंने चार नट बोल्ट यहाँ पे दिया हूँ, बट अगर मैं इसी को चलता हूँ जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहाँ पे दो नट बोल्ट सफिशियंट है। अब देख सकते हैं दो नट बोल्ट ही यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं कि स्ट्रक्चर को असेंबल करने के लिए और डिजाइन करने के लिए और क्या कहते हैं कौन से स्पेस पे इसको इंस्टॉल करना है, वो समझाने का मेरा मेन मकसद है। आप देख सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि ये जो बीम बना है प्रॉपर तरीका से इसका बेस प्लेट को असेंबल करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सरिया निकला हुआ है वो एग्जैक्ट डायमेंशन पे नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बना था ये
अपने अकॉर्डिंग बनाया, ये सोलर ईपीसी वाले के अकॉर्डिंग नहीं बनाया था, इसलिए इशू हुआ है बहुत सारे, तो इशू का सॉल्व कर दिया हूँ। दोस्तों अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि बेसिकली कैसे असेंबल करना है। ये देख सकते हैं, मैंने उस समय बताया था कहीं पे मैंने 2 नट बोल्ट यूज़ किया था, कहीं पे 1 किया था, प्रॉपर तरीका से नहीं असेंबल था वो। मैंने केवल अपने जो मेरा टीम था साइट पे उसको समझाने के लिए मैंने असेंबल किया था, बट उन्होंने कंप्लीट लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं ये 42 किलोवाट अप्रोक्स है, 550 वाट पिक का मॉड्यूल है, और जो आप देख रहे हैं ये पूरा टेबल है, एक टेबल है 1/10 का, और साउथ के तरफ मैंने 1/6 का 1/8 का 2 टेबल लिया हूँ। अब चलते हैं दोस्तों कैसे असेंबल किया गया है और क्या प्रॉपर तरीका से इसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया गया है। आप देख सकते हैं पहले बेस प्लेट को असेंबल किया गया है, ये बेस प्लेट, ये अभी यहाँ पे पेंट होगा रेड ऑक्साइड से, ये जो मेरा पाइप है ये पाइप रेड ऑक्साइड से पेंट होगा क्लीनिंग करके। उसके बाद ये बेस प्लेट उस पर बेल्ड किया गया है, ये प्रॉपर चारों तरफ से बेल्ड है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये बेस प्लेट को राफ्टर से कनेक्ट किया गया है 2 नट बोल्ट के साथ, जो नट बोल्ट है हॉट डिप 5.6 ग्रेड का, और जो ये आप देख रहे हैं राफ्टर है गैल्वेनम 550 मेगा पास्कल यील्ड स्ट्रेंथ, और जो ये कॉलम देख रहे हैं ये है हॉट डिप गैल्वेनाइज है जिसका यील्ड स्ट्रेंथ है 350 मेगा पास्कल, ये कोल्ड फॉर्म स्टील है और ये है गैल्वेनम। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मेरा पर्लिन है, ये अभी टाइट नहीं किया गया है, आज टाइट हो जाएगा, और ये एल्कलीट है, ये दोनों असेंबल होगा प्रॉपर तरीका से। ये 4 नट बोल्ट के साथ यहाँ कनेक्शन है, जो मेरा 2 पर्लिन को एक साथ कनेक्ट किया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये फ्रंट ब्रेसिंग हो गया, पर्लिन हो गया, बैक पर्लिन आते हैं तो ये रहा, ये बैक पर्लिन है, बैक पर्लिन सेम प्रोसेस है नट बोल्ट का। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सैग एंगल एक बीच में कनेक्ट किया गया है, ये सैग एंगल है, सैग एंगल इसीलिए दिया गया है कि ये मतलब जो मेरा दोनों पर्लिन है वो एक दूसरे के अपोजिट ना भागे, अभी नहीं 2-4 साल बाद धूप मौसम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट पड़े उसके अकॉर्डिंग मेरा पर्लिन ना उस पर कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए सैग एंगल का यूज किया गया है ये। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये टेबल है, बेसिकली मेन पर्पस है ये जो पाइप देने का, ये अलाइनमेंट के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो बीम बनाया गया है थोड़ा सा अल्टर बीम बना था, इसलिए इस पाइप का यूज किया हूँ ताकि मॉड्यूल परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें मॉड्यूल परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ रहेगा। ये देख सकते हैं